हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में हैशटैग कैसे लगा सकते हैं जिसकी मदद से अपने वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे टिकटॉक यूजर ऐसे हैं जो अपने वीडियो में सही तरीके से हैशटैग नहीं यूज कर पाते हैं, उसकी वजह से उनके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज नहीं आते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे टिकटॉक यूजर को, बहुत सारे क्या, यहाँ पे मैं 90% की बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हैशटैग यूज कर लेता है। कभी कभी तो 5-6 ट्रेंडिंग हैशटैग ही यूज कर लेता है। ट्रेंडिंग हैशटैग करने से आपके वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज नहीं बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या हैशटैग यूज करना है और सही तरीका से कैसे आप अपने वीडियो में हैशटैग लगा सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो दोस्तों, आते हैं हम वीडियो की ओर। अपने वीडियो में क्या हैशटैग लगाना है जिसकी मदद से हमारे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, और यहाँ पे हम सही हैशटैग लगाते हैं तो हमारे वीडियो भी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको पता है एक वीडियो तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। वीडियो को स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूट करते हैं और एडिट करते हैं, इसके बाद अपलोड करते हैं। और लेकिन हम सारा काम सही से करते हैं लेकिन हम सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्योंकि आप सही से वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो आपको वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, यदि आज के वीडियो देख लेते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद यदि आप जो मैं बताऊंगा इस तरह से आप करते हैं तो आपके वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर वीडियो का स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ, इसके बाद शूट भी कर चुका हूँ, इसके बाद इसे हम एडिट भी कर चुका है। एडिट करने के बाद वीडियो को अपलोड कैसे करना है वो मैं समझते हैं। सबसे पहले वीडियो को आपको दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्ट टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ पे प्लस का आइकन मिलता है, सिंपल यहाँ से प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करने के बाद वीडियो को चूज करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, किसी भी ट्रेंडिंग टिकटॉक साउंड को यूज कर हम उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर पे उसने मिलियंस में लाइक एंड व्यूज गया हुआ है, तो सिंपल वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइड में, उस ऑप्शन को क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूज दिस साउंड का, सिंपल यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम अपने खुद का वीडियो को 200 कर देना है और टिकटॉक साउंड के वीडियो को हम यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देना है। और यहाँ पे वीडियो को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग्स के ऑप्शन आता है। आपको हैशटैग कैसे लगाना है ध्यान से समझना। नंबर वन, हैशटैग आपको क्या लगाना है। यहाँ पे जिस नाम से आपने टिकटॉक आईडी बना रखी है वो आप अपने नाम का एक हैशटैग बना लेना, आप वो हैशटैग फर्स्ट नंबर में लगाना है। हैशटैग कैसे बनाता है अपने नाम से वो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं अपने नाम का हैशटैग कैसे बनाते हैं। तो नंबर वन, खुद का पहले हैशटैग एक बनाओ, हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाने के बाद सेकेंड हैशटैग क्या लगाना है, आप वीडियो के रिलेटिव वीडियो में आपके किसके बारे में बताए, क्या सिखा रहे इसके बारे में, या फिर कोई भी सॉन्ग पे अगर वीडियो एडिटिंग की है तो सॉन्ग के बारे में लिखना है, समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर में आपको लगाना है फॉर यू पेज, फोर्थ नंबर में लगाना है फॉर यू, फाइव नंबर में लगाना है ट्रेंडिंग, और सिक्स नंबर में लगाना है वायरल। 6 से 7 हैशटैग लगाने के बाद यहाँ पे आपको टिकटॉक इंडिया और टिकटॉक दोनों को आपको टैग करना है। तो इस तरह से अपने वीडियो में यदि हैशटैग यूज करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।